हेलो दोस्तों, टेक पिंटू रोशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एमपोकेट से लोन कैसे अप्रूव होता है, कैसे लोन आता है और इसका प्रोसेस क्या है। आगे लोन आप अगर ले लेते हैं तो आपको आगे देना होगा या ना देना होगा, अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए चलिए, सबसे पहले मैं एमपोकेट का ऐप जो है वो पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आप लोग को एम पॉकेट बारे में नहीं पता है तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाके एम पॉकेट पहले इंस्टॉल कर लें। चलिए, मैं तो पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो हम खोल लेता हूँ यहाँ से मेरा ऐप। चलिए, एम पॉकेट ये रहा मेरा, चलिए ओपन हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा। और देखिए, हम दो बार ये मेरा प्रोफाइल रहा, पिंटू रोशन, पिंटू रोशन नाम से ये मेरा मेल रहा मेरा, और यहाँ से हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। मेरा अकाउंट रहा, ये मेरा पेटीएम अकाउंट रहा, पेटीएम में हम ट्रांसफ़र किए थे। इसके बाद एक्टिविटी में जाते हैं, एक्टिविटी में देखिए, हम दो बार अप्लाई किए थे 500 रुपया के लिए। तो दो बार अप्लाई किए थे, फर्स्ट बार पर कल मतलब 15 अप्रैल मतलब 15 मार्च, 16 मार्च को, सॉरी 16 मार्च को, और ये हमको पे करना है 15 मार्च 2021 को। तो इस चलिए देखते हैं इसको खोल के क्या होता है। इसके बाद देखिए, ये देखिए, हम मतलब 500 रुपया लिए, ये हमको दिया 480 रुपया, मतलब 20 रुपया ये टोटल फी में 20 रुपया काटा। इसलिए इंटरेस्ट बराबर ड्यू टू 30 रुपया, इंटरेस्ट आफ्टर ड्यू टू 0, टोटल अमाउंट पेबल 530 रुपया, अमाउंट पेबल 3 रुपया, ये हमको 15 तारीख को पे करना है। अगर नहीं करते हैं तो पुलिस केस जो बोलता है ये वो, कुछ नहीं पुलिस केस होता है। लेकिन हाँ, अगर आप पे कर देते हैं तो आपको आपका जो पैन कार्ड पे है वो इश्यू, जो अमाउंट है वो नहीं इश्यू करेगा, नहीं तो इश्यू कर देता है आपके पैन कार्ड पे। अमाउंट अगर चढ़ा देता है वो, अमाउंट डाल देता है वो, तो आगे जो आप लोन की प्रक्रिया है, जैसे हो गया बैंक का, आगे जो जैसे आप बाइक लेंगे तो फाइनेंस कराते हैं बाइक का, आगे जो वो सब नहीं कर पाएंगे कभी भी नहीं। आगे का लोन प्रोसेस आप कभी नहीं करें, क्योंकि आपका पैन कार्ड पे चढ़ा देता है वो अमाउंट। इसलिए अगर मेरा रिक्वायर आप लेते हैं तो आप जो भी अमाउंट है आप उसको पे कर दीजिए। जैसे मैं फिर दो बार मतलब लिए थे एक बार, लेकिन हम दो बार अप्लाई कर दिए थे क्योंकि पैसा नहीं आया था अप्रूव होके, इसलिए हमको दो बार अप्लाई करा गया था, पैसा लेकिन ये दे दिया 480 दो बार। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ पैसा कहाँ दिया। पेटीएम में हम लिए थे मेरा, देखिए मैं क्वाइन में अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, देखिए मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक LTD, ये मेरा वेरीफाई है। इसमें मैं जाके दिखाता हूँ कितने बजे पैसा आया था, कितना पैसा आया था, सब दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे रेफर करके भी आप यहाँ पे एम क्वाइन से आप अपना आप रेफर करते हैं किसी के, तो उससे भी आप अपना जो है पे कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट है वो एक रेफर पे 25 रुपया। चलिए मैं दिखाता हूँ पेटीएम खोल के, चलिए मैं पेटीएम यहाँ पे खोल लिया हूँ, पेटीएम दिखाता हूँ अपना पेमेंट में जाके। देखिए कितना रुपया, 480, 480 दो बार आया है, कितने बजे आया है, कब आया है, सब मैं डिटेल दिखा देता हूँ। एम पॉकेट से लोन लेना आसान है, कोई बात नहीं, आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा नाम, आप क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं या ना करते हैं, आगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई, मतलब बहुत सारा प्रोसेस है। इसके बाद आपको लोन अप्रूव होगा और आपके अकाउंट में चला जाएगा रुपया। चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ, ये पेटीएम खुल गया है और ये मेरा मोबाइल स्लो है, इसके कारण मैं थोड़ा लेट से कर रहा हूँ ये। चलिए पेटीएम खोल लिया हूँ, और ये मेरा फिंगर लगा है तो फिंगर से ही मैं काम कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ कब आया पैसा, कब नहीं आया पैसा, सारा चीज़ इस पे आ जाएगा। ये मेरा पेटीएम खुलने वाला है, खुल गया है, ठीक है, खुल गया है। चलिए मेरे अकाउंट में अभी 12 रुपया है, हम अकाउंट अपने जो प्राइवेट बैंक है उसमें ट्रांसफ़र कर लिए हैं, लेकिन आया है इसमें रुपया, देखिए दिखा देते हैं आपको। देखिए 480, 16 मार्च 9:03 में रात में आया है हमको ये 480 रुपीज़। ये कहाँ से आया, ये जलन केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, RBL बैंक लिमिटेड, इससे आया है रुपया नाम को, इसमें 480 रुपया। और एक बार दिखाता हूँ, और ये 480 सेकेंड नंबर पे, ये 16 मार्च 8:33 है, मतलब ये एक पेमेंट डाला 9:03 में और एक पेमेंट डाला है
एक पेमेंट डाला है आपको 833 में। देखिए यही प्रोसेस था, अगर आप एम पॉकेट से लोन लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि आप एम पॉकेट से लोन लेते हैं तो फिर इसको चुका दीजिए, क्योंकि अगर नहीं चुकाते हैं तो आपके पैन कार्ड पे वो सारा अमाउंट चढ़ा देता है। इसके बाद आप आगे जो लोन का प्रक्रिया लेंगे भविष्य में कभी भी, तो आप लोन कभी भी नहीं ले सकते हैं। अगर ले सकेंगे तो पहले ये जो सारा जो अमाउंट चढ़ा है उस पर वो सारा अमाउंट आपको चुकाना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल टेक पिंटू रोशन पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।